अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताहिरा और यह है मेरा चैनल उर्दू अखबार। मैं इस वक्त अपने फेवरेट स्टोर के सामने हूँ, आल्डी, और एक जर्मन जो है फ्रेंचाइज है और सारे यूरोप में हैं इनकी शॉप्स और ये आल्डी स्टोर्स, यहाँ पर भी है यूके में। और पिछले चंद सालों में बढ़ती हुई महंगाई के बाद यहाँ पर जो है ये स्टोर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इससे पहले लोग टेस्को वगैरह एक जाया करते थे, लेकिन अब बहुत सारे लोग जो इवन बहुत अच्छे खाते पीते जिनको कि हम कहते हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी अब जो है शायद अफोर्डेबिलिटी उतनी नहीं रही तो अब इन स्टोर्स पर आते हैं। तो ये इसकी मेन एंट्रेंस है, मैं अभी एंटर हुई हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोग क्या क्या ऑफर करते हैं। ये तमाम स्टोर्स जो होते हैं यहाँ पर, आल्डी है, लिडल है, टेस्को है, और तो ये तमाम स्टोर यही ज़्यादातर जो है उनके पास, उनका सेटअप में गार्डन से लेके किचन और आपकी दीगर ज़रूरियात होती हैं। अज़ुकात जो है किचन वेयर्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होती हैं किचन के हवाले से, सफाई, हूवर वगैरह। तो मैं आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दूंगी इसका। यहाँ पर इन्होंने शुरू में ही प्लांट्स वगैरह जो कि सीजनल भी होते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कि इनडोर भी हैं, आउटडोर भी हैं, तो और दूसरे ये कि फ्लावर वगैरह भी हैं जो कि लोग मुख्तलिफ ओकेजन्स पर दूसरे को देते हैं। ये चीज़ें रखी हुई हैं इन्होंने, कुछ क्लिनिंग स्टफ़ रखा हुआ है, स्क्रीन वॉश वगैरह, ये गाड़ियों के लिए ड्रिंक्स वगैरह भी होती हैं। फिर यहाँ से ये फ्रूट का सेक्शन शुरू होता है, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको प्राइसेस भी बता दूँ, ये छोटा इसको स्नैक जो कि आप दोपहर में खा सकते हैं, ये छोटा पैकेट है, और ये कितना बड़ा होगा ये मैं आपको बता सकती हूँ। ये मेरी हथेली पे मैं रख के आपको इसका साइज़ बता सकती हूँ कि ये इतना बड़ा है, और ये जो है एक बंदा आराम से एक या दो दफ़ा में खा सकता है। इसकी 39 पेंस, इसकी 39 पेंस प्राइस है। इसके अलावा ये है एक और हर एक किस्म की सब्ज़ी होती है, सैलरी जो 69 पेंस की है, पाकिस्तान में शायद नहीं होती। बाकी ये नाशपातियाँ हैं, और नाशपातियों का रेट मैं आपको बता दूँ 69 पेंस है। और ये चेरी टमेटोज हैं, टमेटो बेबी प्लम है, ये सैलड में डाल के खाते हैं, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। आप जो बेर होता है ना हमारा, उसके साइज़ के होते हैं, और ये बड़े मज़े के लगते हैं सैलड में। और इसके अलावा एप्पल है, ये 69 पेंस का है, ये चेरी भी, टमेटो भी, और ये जो है ये मिनी एप्पल्स हैं, छोटे वाले सेब हैं, बड़े मज़े के होते हैं, मीठे होते हैं, 69 पेंस। और ये कुछ ऑरेंज है, ज़्यादातर ये चीज़ें स्पेन वगैरह से आती हैं, बहुत छोटे साइज़ के हैं, जैसे कि हमारे नींबू से थोड़े से बड़े होंगे। लेमन जो होता है, ये मिनी इजी पीलर्स, इनको इजी पीलर के आसानी से छिल जाने वाले, ये भी 69 पेंस के हैं। आप इससे प्राइसेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। फ्रूट है, केले वगैरह हैं, ये 92 पेंस का ये एक पैकेट है, और ये इसमें जो है मेरा ख्याल है 6-7 बनाना से, बाकी और वो तमाम फ्रूट हैं, ऑरेंज वगैरह, नाशपातियाँ। इधर जो है जो उन्होंने प्रमोशन जो थोड़े से उन्होंने रिड्यूस प्राइस पर लगाए हुए थे, ये जो है ये जो असल प्राइस है, एक्चुअल प्राइस पर है। बाकी सैंडविचेस वगैरह हैं, जूसेस हैं, और ये भी टमाटर है, ये उन्होंने फ्रीजर्स में रखे हुए होते हैं ताकि ये ख़राब ना हो जाए जल्दी। ये एप्पल है, और ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं जो कि आपको पता बहुत जल्दी बहुत नाजुक होती हैं, ब्लू बेरीज हैं, और यहाँ पे तमाम कई किस्म के सेब होते हैं। बरतानिया में सेब जो है वो इजीली हो जाता है, तो इनका ये एक चीज़ है जो बहुत ये जो खीरा है, ये बेबी समझ रहे हैं आपकी क्यूकम्बर है, इनको कहते हैं ये बेबी क्यूकम्बर है, ये देखें, और ये 95 पेंस का है। ये आप ऐसे ही खा सकते हैं लंच के तौर पर, जो लोग वेट कॉन्शियस होते हैं। ये दूसरा जो आम जो खीरा होता है, बैंगन यहाँ पे बहुत पसंद किया जाता है कुछ लोग इसकी सब्ज़ी को, मगर इनके इतने तरीक़े होते हैं बनाने के। ये चुकंदर जो कि बॉयल्ड होता है, और ये भी सैलड में काम आता है। अच्छा, यहाँ पर ये सारे मसाले रखे हुए, ये कुछ हर्ब्स हैं जिसमें पुदीना वगैरह, ये धनिया का पैकेट मैं आपको भी बताऊँ, ये छोटा सा धनिया का पैकेट होता है, मगर ये काफ़ी देर फ्रेश रहता है, मैं यही लेकर जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे तो एशियन स्टोर नहीं है। बाकी पुदीना वगैरह, और ये तमाम मसाले हैं, मिर्चें हैं, ये कुटी मिर्चें, बहुत छोटा सा होता है, ये लोग इतना नहीं खाते, आप इससे ज़्यादा लगा लें। लेकिन ये कि आपको अगर कोई ख़त्म हो गई है घर में तो हम जैसे लोग भी ले सकते हैं, इसमें कई किस्म के मसाले हैं। बाकी हरी प्याज वगैरह ये सब आप देख सकते हैं, ये कुछ और रेडी मील होते हैं, कुछ पास्ता सॉसेज हैं, और ये गोश्त का सेक्शन शुरू हो जाता है, जो कि जाहिर है कि हमारे मतलब का नहीं है, हम क्योंकि हलाल मीट खाते हैं, लेकिन इसमें हर तरह का मीट जो है
असल चीज़ ये कि इनकी पैकिंग इनकी जो होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। एक आपको एक तरीका है इनका हर चीज़ का, ये इसमें गाय का भी है इसमें, और इसमें ज़ाहिर है कि जो ये खाते हैं दूसरा गोश्त वो भी होता है, हर किस्म की चीज़ें हैं। ये कुछ और चीज़ें हैं जो कि आप जैतून इस तरह से भी मिलते हैं, इसके अंदर ये ड्राई टोमेटो हैं जो खुश्क हो जाते हैं लगे लगे और उसके ऊपर पेड़ पे ही लगे, तो ये उसको भी ज़ाया नहीं। ये इटालियन एक्चुअली तरीका है कि वो लोग आमतौर पर टमाटर उनके मुल्क में बहुत होता है तो उन्होंने टमाटर को प्रिजर्व भी करते हैं, उसके कैन वगैरह में भी आपको पता है। दूसरे ये जैतून, ये हर किस्म के हैं, काले जैतून भी हैं दूसरे जैतून भी हैं। तो ये कुछ सॉस और कुछ ऐसी चीज़ें, यहाँ पर मिल्क है, मिल्क यहाँ पर इस तरह से बॉटल में मिलता है, हमारे यहाँ जो है वो टेट्रा पैक वगैरह जो हम कहते हैं। अब ये जो है तकरीबन ये कितना है, ये 2 लीटर से ज़्यादा है, और इसकी जो प्राइस है, प्राइस यहाँ पर मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ये 145 है, ये 145 है इसका। ये मिल्क है, इसमें मिल्क के डिफरेंट साइज़ हैं, ये छोटा है, और इसमें जो है ये ब्लू वाला जो है ये फुल क्रीम है, ग्रीन वाला जो होता है इसमें ये स्किम्ड होता है, इसमें थोड़ा सा होता है, और ये जो रेड होता है ये कम्प्लीटली स्किम्ड होता है। और दूसरी 2-3 तरह का मिल्क होता है, वो तमाम चीज़ें जूस ये सब ड्रिंक्स आ गए। यहाँ पे कुछ रेडी मील है जो कि लोग लंच में अपने आके यहाँ से खा सकते हैं, दही वगैरह ये सारा सेक्शन, दही मसाला जात और दूसरी चीज़ों का। ये मत समझिएगा कि मसाला जात हमारे लोगों की तरह ही होते हैं, बाकी इस स्टोर में जो दीगर चीज़ें मिलती हैं उसमें ये कपड़े सुखाने के लिए ड्रायर वगैरह है और टिशू है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी है, ये वैक्यूम क्लीनर है हैंड हाथ से जो साफ़ करने वाला है, ये लॉन्ड्री की चीज़ें हैं यहाँ पर, और ये किचन की तमाम जो सफाई वाली चीज़ें होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो है क्लीनर हैं और क्लीनिंग के लिए आप देख सकते हैं। और ये चिप्स का तो हर तरह के चिप्स वगैरह। अच्छा अब मैं आपको यहाँ बर्तन भी दिखा दूँ, यहाँ पर बर्तन वगैरह भी होते हैं, ये यहाँ पर ग्लास आए हुए टम्बलर जिनको कहते हैं, लेकिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आमतौर पर बियर वगैरह के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये डिफरेंट जो है कंटेनर छोटे वाले फूड कंटेनर्स, और ये कॉफ़ी मशीन, और ये है राइस कुकर है चावल बनाने के लिए, हमारे यहाँ राइस कुकर को बीवी कहते हैं, वो हर तरह के चावल बना लेती है किसी भी बर्तन में। ये कुछ डेकोरेशन की चीज़ें हैं, और इधर सारा ड्रिंक्स का है, इधर ये आप देख सकते हैं बहुत चीज़ें हैं, गार्डन की भी चीज़ें होती हैं, जब ये सीज़न होता है तो फिर ये गार्डन की चीज़ें भी रखते हैं, और फिर जब वो सीज़न ख़त्म होता है तो उसको निकाल देते हैं। यहाँ पे कुछ जो है वो ना हैवी किस्म के जो लोग काम करते हैं, जो लोग गैराज में या इधर उधर अपने घर में बहुत सारे काम लोग यहाँ पर ख़ुद करते हैं वो भी हैं, बच्चों की चीज़ें भी हैं आप देख सकते हैं। मैं बहुत मुख्तसर से एक वीडियो आपको बना के दिखा रही हूँ कि यहाँ पे स्टोर्स का सेटअप क्या है, आप एक ही स्टोर से तमाम चीज़ें ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप मतलब यहाँ पर ये देखें हेल्थ केयर आ गया, यहाँ पर डेंटल एंड ग्रूमिंग दांतों के से मतलब टूथपेस्ट और दीगर चीज़ें, इसी तरह यहाँ पे साबुने और जो डिफरेंट वॉशेज हैं, हेयर केयर स्टाइलिंग है, और यहाँ पे ये कुछ और थोड़ी सी कॉस्मेटिक्स हैं, और ये कुछ ख़वातीन के जो हैं पीरियड प्रोडक्ट्स हैं, और बच्चों की जो है नैपीज़ वगैरह पैम्पर वगैरह और उनसे मुतलिक तमाम चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। और यहाँ पर ये तमाम जो है ये टिशू वगैरह जो भी जिस किस्म के भी होते हैं किचन जिनको के किचन में यूज़ करने वाले टॉयलेट में यूज़ करने वाले ईच एंड एवरीथिंग, ये लोग इस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं। ये एक बड़ी सी वो ट्रॉली सी होती है और बहुत हैवी, इस पर ये सामान लाद के इसको इसके ऊपर शिफ्ट करते हैं, मुझे नहीं पता कि ये मैं दिखा देती हूँ आपको कि किसने ये लगाया, और इसके ऊपर ये यहाँ पे इसने इसको रिलीज कोई बटन होता होगा तो उससे ये बाकी यहाँ पे ये गार्डन की चीज़ें हैं, यहाँ पर ये गार्डन में या वैसे ये डेकोरेशन के तौर पर कैंडल्स हैं, ये आर्टिफिशियल बहुत पौधे हैं और बहुत चीज़ें हैं, ये कुछ इनके फ्राइंग पैन वगैरह हैं, ये थोड़े हैवी होते हैं, ये चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन वही बात है ना कि हम लोग अपने जिस तरह के बर्तनों में काम करने के आदी हैं वो ये बहुत हैवी पैन्स होते हैं, और इनमें कोई चीज़ भी आप बनाएं तो ये जल्दी जलती नहीं है आप इस, और ये सब के सब जो है वो नॉन स्टिक्स होते हैं, नॉन स्टिक होते हैं। अच्छा अब ये तमाम चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, एक और अंडे वगैरह ये तो बताने की बात ही नहीं कि यहाँ पर ये नहीं सब चीज़ें मिलती हैं। और फ्रोज़न जो इनका फूड का सेक्शन है उसमें आप देख सकते हैं
के हर किस्म के पिज़्ज़ास और हर किस्म की जो है ऐसी गार्लिक ब्रेड वगैरह ये सब मिलती है। वो ड्रिंक का सेक्शन था सारा, यहाँ पे जो है फिश एंड सी फूड आ गया, इसमें हर तरह का सी फूड होता है, झींगे वगैरह और फिश एंड सी फूड अगेन ये ज़्यादा खाई जाती है। मीट एंड पोल्ट्री आ गई, मीट एंड पोल्ट्री और इसी तरह की ये रेडी मील आ गए वीगन एंड वेजिटेरियन। जो लोग गोश्त की चीज़ें नहीं खाते उनके लिए यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें ये लोग ऑफ़र करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या कुछ होता है, सॉल्ट एंड विनेगर, ये क्या है, ये कुछ श्रेडेड नो डक नो पुल्ड पोर्क, ये इस तरह की चीज़ें हैं कि जो कि जिसमें कोई भी चीज़ इन्होंने ऐसी इस्तेमाल नहीं की जो कि गोश्त वाली हो। ये मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ हैं फ्रोज़न, ये इनका बड़ी आसानी होती है, मैं भी लेकर जाती हूँ। और अगर मुझे चावलों में डालनी हो तो ये देखें इसमें बहुत सारी ऐसी सब्ज़ियाँ हैं, ये वाला पैकेज है खुसूसन चावलों में बगैर मेहनत किए, अगर एक दो इतने ज़्यादा फैमिली मेम्बर तो आपके लिए आसानी है, और अगर आप वर्किंग हैं तो आपके लिए और आसानी है। ये मैं इसी तरह डाल देती हूँ सूप में भी, और तो वो अच्छा रहता है, मज़ेदार होता है। इसी तरह जो है मैं इसको ज़रा अच्छी तरह बंद कर दूँ फ्रीज़र को, और ये सब आप देख सकते हैं मटर हैं, डिफरेंट किस्म की सब्ज़ियाँ हैं, चिप्स हैं, ये प्याज की जो है, ये अनियन रिंग्स भी हैं इसमें, और इससे आप इनकी वैरायटी पिज़्ज़ा एंड चिप्स यहाँ पर है, ये पिज़्ज़ा एंड चिप्स हर किस्म के, इसी तरह ये पिज़्ज़ा एंड चिप्स, ये सेक्शन ज़रा थोड़े बड़े होते हैं। फ्रूट एंड डिज़र्ट, अब ये आप देखें इसमें आइसक्रीम्स हैं, इसमें डिफरेंट किस्म के केक्स हैं जो कि फ्रोज़न हैं वो आप रख सकते हैं, चॉकलेट वाला, और ये दूसरी चीज़ें हैं, ये सब जो है आप रख सकते हैं। हम इस किस्म की तमाम चीज़ों को हम केक का नाम दे देते हैं, डजंट मैटर, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी की तमाम चीज़ें, चॉकलेट्स वगैरह, और ये सब यहाँ पर है। ये स्टोर मेरा पसंदीदा स्टोर है, और ये देखिए बिस्किट्स वगैरह के बाद यहाँ पे सीरियल मुख्तलिफ़ किस्म के जो कॉर्नफ्लेक्स दीगर जो चीज़ें होती हैं हनी नट्स के साथ, और इसमें दो तीन ब्रांड्स हैं यहाँ पर जो है ब्रेड्स और केक्स वगैरह। मैं आपको बताती हूँ कि केक्स इनके कितने मज़े मज़े के लगते हैं और खूबसूरत लगते हैं। ये मेरा कभी कभी मैं लेकर जाती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। इसमें छोटे छोटे हैं ये, बहुत छोटे छोटे, ये छोटा सा इसमें ये इतना साइज़ का ये छोटे छोटे केक्स होते हैं, मिनी केक्स, और इसकी क्या प्राइस है 129। ये केक है इन सब की मोर और लेस एक ही जैसी प्राइस होती है, और ये डिफरेंट किस्म के बिस्किट्स, केक, फज, और ये मफिन्स और ब्रेड हर किस्म की होती हैं इसमें, ब्राउन ब्रेड भी होती है, वाइट ब्रेड भी होती है, ये मुख्तलिफ किस्म के बन हैं, और डिफरेंट किस्म की ब्रेड्स हैं, हनी वगैरह, जैम, ये तमाम चीज़ें, और ड्राई फ्रूट्स का भी एक सेक्शन है, वो हर ये तमाम स्टोर्स में ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। मुझे मैं जो ब्रेड लेती हूँ ना वो ये है ओबर्टन की, छोटा वाला लूफ में लेती हूँ, और ये काफ़ी होता है, पूरे हफ्ते से ज़्यादा मेरा चल जाता है। तो और पेमेंट के लिए बड़े मज़े का सिस्टम है, मैं आपको बता सकती हूँ कि पेमेंट यहाँ पे किस तरह से, लेट्स से यहाँ पे जो है पेमेंट, ये जैसे ये खातून जो है ये साहब जो है जिस तरह से पे करेंगे, ये इसको खुद ही स्कैन करेंगे, यहाँ पे इन्होंने सेल्फ सर्विस का कर दिया, स्कैन किया और इसको प्राइस आ गई, उसके बाद आपने जो है ये स्कैन किया ही रख दिया, ये इस तरह से ये खुद से पे कर सकते हैं। और यहाँ से अब मैं निकल रही हूँ, और क्योंकि मुझे अब जाना है, मुझे एक दो काम है, और ये मैंने छोटा सा आपको एक, ये सारे काउंटर हैं वो सेल्फ सर्विस भी है कि आप खुद से पे कर दें, और यहाँ पर लोग भी हैं, और किसी किस्म की कोई बेईमानी का एहतमाल नहीं होता, क्योंकि जैसे ही अगर आप कोई गलत चीज़ लेकर आपने पे नहीं किया यहाँ से निकलेंगे तो ये दरवाज़ा जो है ना ये शोर मचा देगा, इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं और जो बारकोड होता है वो उसमें आ जाता है और पता चल जाता है कि किसी ने बगैर पे किए कोई निकला, भूल के भी ऐसा हो सकता है और कोई जानबूझ के भी। तो ये था छोटा सा एक ओवरव्यू आल्डी मेरा फेवरेट स्टोर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस चैनल का भी, मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।